वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। होप करता हूँ आपको माल्टा से लेकर टर्की तक की मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। आपने ब्लॉग को प्यार तो दिया है और ऐसे अपने भाई को प्यार करते रहो, इस ब्लॉग को भी ऐसे ही प्यार देना। अभी हम जा रहे हैं आगे टर्की से, और टर्की से कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं वो आपको आगे चल के बताता हूँ मैं। गेट नंबर आ चुका है हमारा, गेट नंबर आया है B17। तो ये जी गेट नंबर, इधर से जा रहे हैं हम B1, B2 एंड B18 है इस साइड को, तो हम जाएंगे B17 पे। तो B17 इधर आएगा, तो अभी हम चल रहे हैं B17 पे गेट नंबर पे चल के। जल्दी से पकड़ते हैं अपना प्लेन, मतलब बोर्डिंग करवाते हैं, उसकी बोर्डिंग अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, तो बोर्डिंग करवाते हैं। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, ये वाला एयरपोर्ट बहुत बड़ा था और उतना ही ज़्यादा शाम को क्राउड बढ़ गया, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था, रश इतना पड़ गया था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये वाला जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, पूरे यूरोप को जोड़ता है और जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं सभी इसी में जाती है। तो हम भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं किसी भी यूरोप के पार्ट में नहीं जा रहा। जो भी आप भाइयों ने कमेंट किए थे कि मैं यूरोप में जा रहा हूँ, यूरोप में नहीं जा रहा। आपको मैं ये गेट दिखा रहा हूँ, इसमें गेट नंबर है B17, तो आप खुद सर्च कर लो और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पाउज करके रोक लो 2 मिनट और देख लो B17। तो आप देख लिया होगा आप लोगों ने कि B17 कहाँ पे है। तो जी आप लोगों ने सही देखा, मैं जा रहा हूँ इंडिया, दिल्ली में, अपने घर, अपने वतन कह लो आप। क्यों जा रहा हूँ, क्या रीज़न है, 1 साल बाद जा रहा हूँ, तकरीबन 11 मंथ हो चुके हैं और अब चलते हैं अब अपने वतन। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि गूब्स बम्ब आ गए हैं, क्योंकि इंडिया जा रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हो मेरी जो कंडीशन थी माल्टा के अंदर। मैं अकेला था, सरवाइव किया, कुछ नहीं पता था, बट आज की डेट के अंदर मेरे को तकरीबन हर चीज़ पता चल गई है। तो जब इंसान पे पड़ती है वो तभी जानता है। तो जी आज सारा कुछ वो दूर करके हम जा रहे हैं इंडिया, वेकेशन पे आया हूँ मैं कुछ 30-35 दिनों के लिए। तो इंडिया भी आपको एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर। जब मैं पहले ब्लॉगिंग करी, मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने इंडिया से ही करी थी, 1-2 व्लॉग डाले थे, पर तब इतना नहीं पता था व्लॉगिंग का, बट अब थोड़ा सा पता चल चुका है। होप करता हूँ आपको ये वाले मेरे आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस हम निकल गए हैं अब B17 की ओर और चलते हैं सीधा ही है। B17 देख लो कितना दूर है, मेरे को वो बोल ही रहा था लड़का कि भाई जाते जाते टाइम बहुत लगता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके गेट आते ही तुम उधर को निकल लो। यहाँ से जो ये फ़्लाइट चलेगी टर्की के हिसाब से चलेगी 8:30 बजे और इंडिया के हिसाब से मैं पहुंच जाऊंगा सुबह के 4:40 पे। तो जी मिलते हैं अपने बेटे को। मैं मेन जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मैं माल्टा में था और मेरी कमज़ोरी कह लो मेरी या मजबूरी कह लो कि मेरे को उससे मिलने की इतनी ज़्यादा पिछले 20-25 दिन से चाहत हो रही थी। वैसे जो मैंने ये वेकेशन ली थी वो मैंने इंडिया आने के लिए नहीं ली थी, वो मैंने यूरोप को एक्सप्लोर करने के लिए ली थी, बट किसी वजह से यूरोप में नहीं जा पाया। तो मैंने कहा वेकेशन तो ली हुई है, क्यों ना इंडिया ही जाया जाए, अपनी फैमिली से मिला जाए, अपने बेटे से मिला जाए। और थोड़ा सा आपको भी पता है अब दिवाली भी आ रही है, तो मैंने कभी दिवाली अपने घर के बाहर नहीं मनाई थी, वो भी मेरे को हर्ट हो रहा था। दुशहरा भी गया पीछे, वो भी हर्ट हुआ, बट मैंने सोचा था कि चलो दिवाली तो अपने फैमिली के साथ मनाएंगे और आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अभी हम चल रहे हैं जी आगे और यहाँ से फिर ड्यूटी फ्री आ गया। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा पार्ट्स में ड्यूटी फ्री ये बटा हुआ है, जैसे 2 गेट आते हैं, ये गेट है अभी ये सामने ना, इसके सामने ड्यूटी फ्री है, आगे भी गेट आ रहे हैं उसके सामने ड्यूटी फ्री। तो एकदम से ये नहीं है कि सीधा ड्यूटी फ्री चलता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ड्यूटी फ्री जो आ रहा है वो प्रॉपर जैसे गेट आ रहे हैं उसके सामने ड्यूटी फ्री आ रहा है। तो बस चलते हैं B17 गेट पर, तो आपको सीधा गेट पर चल के मिलता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं क्योंकि टाइम से पहुँच जाऊँगा, टाइम से बोर्डिंग हो जाएगी तो वो सही रहेगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सीधा पहले चलते हैं और आपको सीधा मैं गेट पर चल के मिलता हूँ। तो जी फाइनली B17 आ गया, चलते चलते थका दिया इसने पूरा, और अब जी फाइनली B17 आ गया मेरे सामने। अब दिखे हैं इंडियन मेरे को, माल्टा के अंदर इतने ज़्यादा इंडियन दिख रहे थे बट यहाँ नहीं ऐसा। यहाँ मेरे को जितने भी काम भी कर रहे थे ना एयरपोर्ट के अंदर, जो जैसे मैं भी जॉब करता हूँ एयरपोर्ट पर, आपको पता है माल्टा के, तो जितने भी लोग थे तकरीबन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो सब गोरे ही थे, कोई था नहीं इंडियन, इंडियन बहुत कम थे एयरपोर्ट पर, यहाँ पर थे नहीं इंडियन। तो पता नहीं, तो शायद ये इंडियंस को नहीं रखते होंगे एयरपोर्ट पे, या फिर मेरे को नहीं दिखे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कुछ कह भी नहीं सकते इसको।
और बाकी अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी, और अभी यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं जब तक बोर्डिंग नहीं स्टार्ट होती। ये खड़ा है बाहर जहाज़ अपना, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जहाज़ है जी जो लेके जाएगा अपने को दिल्ली, जो लेके जाएगा इंडिया में। तो बस अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, बोर्डिंग स्टार्ट होते फिर निकलते हैं, चलते हैं इंडिया। और बाकी आप ये एयरपोर्ट देख लो, ये इंडियंस हैं अपने कितने सारे खड़े हैं, देखो अपने भाई काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे। B-17 है अपना, ये वाला होगा अपना, यहाँ से जाएंगे हम। तो जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो आपको मिलता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ कि लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। तो आई थिंक मेरे को भी लाइन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जितनी बाद में लगूँगा उतना लेट हो जाएगा काम। पहुंच तो गया था जी मैं गेट के पास जैसे कि मैंने आपको बताया, बट प्रॉब्लम एक हो चुकी है, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लग चुकी है। पहले मैं आगे फ्रंट पे लगा था लाइन में, बट उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ पे माइक पे बोलेंगे कि फिर इसकी बोर्डिंग शुरू होगी। तो मैं जाके सीट पे बैठ गया, उसके बाद देखा कि मुंबई की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, वो भी दिल्ली वाले फ़्लाइट में ही जाएंगे लोग। तो भाई साहब आपको रश दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ये जितनी लंबी लाइन लगी है ना, ये देखो ये सारी की सारी लंबी लाइन दिल्ली जाने वालों की लगी है। ये तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को लग रहा है कि अभी सीट, चलो मेरी तो जो होगी होगी, हमारी तो बुक है, बट ये कैंसिल करने से बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा फ़्लाइट में ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी बैठ जाओ पीछे जाके, लोग फिर भी खड़े हैं, बट अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है इसकी। देखो जितने भी हैं ये सारे के सारे दिल्ली मुंबई जाने वाले हैं, उधर बैठे हैं, दूर दूर तक लोग बैठे हैं, इंडियन बैठे हैं भाई प्रॉपर। तो इधर भी यही हाल है, तो चलो देखते हैं कब बोर्डिंग स्टार्ट होती है और कब हम जहाज़ में बैठते हैं फिर। तो सीधा आपको बोर्डिंग स्टार्ट होती है फिर ही मिलता हूँ मैं। तो जी प्रॉब्लम हो गई है एक और, उन्होंने वहाँ से सब भगा दिए हैं, तो देख रहे हो वहाँ पे अब इतनी लंबी लाइन थी, उन्होंने सब के सब इधर भगा दिए हैं, सब कह रहे हैं यहाँ बैठो जाके, तुम लोग दिल्ली जाने के लायक ही नहीं हो, इंडिया जाने के लायक ही नहीं हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, फ़्लाइट हो चुकी है जी डिले, 1 घंटा डिले हो गई है। अब ये भगवान जाने कि मुंबई वाले लोगों के लिए डिले करी है या वैसे डिले हो गई है वो, तो 1 घंटा डिले कर दिया है। तो इनको बोल दिया कि सारे उधर जाके बैठो, यहाँ पे लाइन लगाने की कोई फ़ायदा नहीं है। लाइन भाई यहाँ तक आ चुकी थी, इस पिलर तक सबके सब बिठा दिए हैं, सबके सब उन्होंने भगा दिए हैं वहाँ से, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी भगाया ही है भाई साथ में। फिर यही समझ सकते हैं मेरे को भी तो भगा दिया, तो बस अभी देखते हैं कब दोबारा स्टार्ट होती है, डिले कर दी है तो मीन्स मॉर्निंग में भी हम डिले हो जाएंगे थोड़ा सा पहुँचने में। यही डिले होनी थी, ये रहने देते, माल्टा वाली डिले कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे इंडिया के पास पहुंच रहा हूं मैं, वैसे वैसे आपको बता दूं कि जो एक कहते हैं ना कि हाँ भाई अभी अभी पहुंच जाएं, बस बैठे फ्लाइट में और इंडिया पहुंच जाएं, ऐसे वाला सीन हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वैसा ही सीन है। तो जैसे आता है तो आपको बताता हूँ मैं कैसे चलती है फ़्लाइट, बोर्डिंग वगैरह करा के फिर मिलते हैं, अभी तो डिले कर दी है, मूड ख़राब कर दिया। और हाँ मैं आपको एक चीज़ बतानी थी भाई साहब, मैं इधर गया बर्गर किंग, मेरे को मिला नहीं, देखा मैंने पर पता नहीं यहाँ देखा माल्टा में देखा, याद नहीं है मेरे को, यहाँ बर्गर किंग नहीं था, वो बर्गर्स था कुछ करके। तो भाई उधर गया मैं, 20 यूरो का एक बर्गर दिया भाई, इंडिया का 18,000 रुपये का बर्गर, 18,000 बोल रहा हूँ, 1800 का बर्गर देख लो, इतने 1800 लगा के भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने 18,000 लगा दिए। तो जी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बर्गर का स्वाद नहीं आया, 1800 लग गए जब वो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी 1800 का बर्गर यार, इंडिया में हो ना 50 वाला खा के 20 वाला खा के मज़ा आ जाता है, तो यहाँ 1800 का बर्गर, 300 के 400 की कोक बहुत महंगा पड़ गया सोचा, मैंने कहा यार अब प्लेन में खाएंगे इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। तो चलो बोर्डिंग होती है फिर आपको मिलता हूँ मैं। तो जी दोबारा से बोर्डिंग हो गई है जी शुरू, टाइम यहाँ के हो गए जी 11:20, जो फ़्लाइट थी मेरी वो थी 8:15, ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे डिले कर दिया एक घंटे करते करते। तो फाइनली अब बोर्डिंग शुरू हो गई है, जाने लग गए हैं लोग जहाज़ में, और ये डिले के कारण अब सुबह लेट पहुंचेंगे हम इंडिया भी, क्योंकि अगर 8:15 चल रही थी तो वो पहुंचा रही थी मेरे को 4:40 पे, तो अब ये चल रही है 11:15 और ये जाएगी मेरे हिसाब से 12:30 चलेगी, ये हमें पहुँचाएगी कोई 9:00 के आसपास। बिल्कुल टायर्ड हो गया हूँ मैं, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ एयरपोर्ट पे बैठ बैठ के बस हो गई। तो चलो बोर्डिंग कराता हूँ मैं आपको, एयरक्राफ्ट पे चल के मिलता हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन दूर तक लगी हुई है इसकी, तो लाइन में अभी खड़ा होना पड़ेगा। तो चलो लाइन में खड़ा होता हूँ,
बोर्डिंग वगैरह करें, फिर आपको मिलता हूँ मैं एयरक्राफ्ट में जाके। तो जी बैठ गए हैं जी फ्लाइट के अंदर, अब बस चलने वाली है। ये स्टेयर्स वगैरह हट चुकी हैं इसकी, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पे। एक्चुअल में जो मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल हुई है उसके कारण रश हो चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा जहाज़ है, 500 से ज़्यादा कह रहे हैं बंदा इसमें ट्रैवल कर रहा है, तो फुल हो चुका है बिल्कुल। बस अभी चलने वाला ही है ये, तो बस अब सीधा लेके जाएगा अपने को इंडिया। ये अभी टाइम हो चुका है 12:05 हो चुके हैं, वही 1 के आसपास ये चलेगा यहाँ से, और सुबह हमें पहुँचा देगा कुछ देखा जाए तो 8:30-9 के आसपास। ये देखो ये स्टेयर सटनी शुरू हो चुकी हैं, मिरर इतना साफ़ नहीं है। ये देखो ये सामने स्टेयर सट रही हैं इसकी, और इसके बाद जाएंगे हम सीधा दिल्ली एयरपोर्ट, और आपको मैं सीधा वहीं चल के मिलूँगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा टायर्ड हो चुका हूँ इतना ज़्यादा रेस्ट करके, इतना ज़्यादा वेट करके। तो अभी सीधा चलते हैं दिल्ली, और वहाँ चल के आपको सीधा मिलता हूँ मैं। सुबह ही पहुँचेंगे दिल्ली, अभी तो बस चलने वाला है ये, और आधे घंटे के अंदर अंदर ये चल पड़ेगा क्योंकि स्टेयर्स वगैरह हट चुकी हैं। तो मैं आपको अभी सीधा दिल्ली चल के लैंड होके इंडिया में मिलता हूँ। जी दिल्ली के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया मैं, क्योंकि आपको भी पता रात को डिले काफ़ी था फ़्लाइट में, और उसके बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल। और अभी अभी लैंड हुए हैं पूरे 4 बाद टाइमिंग के हिसाब से, दिल्ली आ चुका है बिल्कुल, और बस यहाँ से घर वाले वेट कर रहे हैं। अभी जाएंगे सीधा घर, बेटे से मिलूंगा मैं अपने, और बस अभी कुछ नहीं हो रहा है, बस पहले बेटे से मिले। जितने दिन आया हूँ यहाँ पे रहने के लिए उतना बस अच्छे से निकाल के फिर हम चलते हैं। मैं यहाँ से बस कस्टम क्लियर करूँ एक बारी, फिर आपको आगे चल के मिलता हूँ। शायद ये भी ड्यूटी फ्री से ही लेके जाएंगे हमें, तो बने रहना ब्लॉग में। अब ये सीधा इंडिया से ब्लॉग बन रहा है, दिल्ली के अंदर एंटर हो चुके हैं हम, पहुँच गया हूँ जी मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री के अंदर। बस वहाँ पर अपना पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाई कस्टम ने, यहाँ आगे तो इंडियन पासपोर्ट का रुतबा हो जाता है भाई, अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जो गोरे आए हैं फॉरेन जितने भी आए थे, यूरोपियन होल्डर पासपोर्ट होल्डर जितने भी थे, सबको लाइन लगानी पड़ी भाई, क्या बात है। मैंने कहा इंडिया वालों की, तो बस यहाँ से अब बैग लेते हैं, और मेरा बेटा बाहर वेट कर रहा है तो उसे मिलता हूँ मैं जाके, तो फिर आपको मिलता हूँ मैं। पहले यहाँ से बैग उठा लें, बैग अपने आने शुरू हो चुके हैं, काफ़ी रश पड़ चुका है, बैग उठाएं फिर मिलता हूं मैं आपको। इस बेल्ट पे आ रहे हैं जी अपने बैग, ये देखो इस्तांबुल, ये वाली फ़्लाइट अपनी इस्तांबुल वाली यहां उतरी है, शायद वो ब्लैक बैग मेरा ही है, हाँ वो मेरा ही लग रहा है बैग ना। तो बस बैग लेते हैं यहां से, फिर चलते हैं बाहर की ओर, और आपको बाहर जा फिर दिल्ली का दिखाते हैं कि दिल्ली के क्या हालात हैं। और भाई जब मैं उतरा हूँ यहाँ पर तो धुएँ धुआँ हो रखा है, वो एकदम से आपको पता ही है जब आते हैं हम ना, तो वहाँ एकदम क्लियर सब कुछ, और यहाँ पे एकदम ऐसे जैसे ओस पड़ी हुई होती है ना, तो वो धुएँ धुआँ हो रखा था। तो चलो कोई बात नहीं, अपने देश वाली जो फील है ना, इतने इंडियन अपने हिंदी बोलने वाले मैंने देखे नहीं यार पहले 8-9 से। बस केरला वाले भाई अपने देख रहा था या फिर गोरे देख रहा था, बट अभी चलो मौका मिला है जो भी थोड़े से दिन का, तो चलो मैं अभी बैग लूँ बाहर चल के फिर आपको मिलता हूँ। तो जी मिल गया जी अपना बैग, इस पर बेल्ट लगाई थी यार मैंने ना बैग के ऊपर कि निशानी रहेगी, किसी ने बेल्ट उतार दी, सबसे आखिरी में उठाया मैंने बैग, क्योंकि मेरे को तो यही था कि हाँ भाई मेरी बेल्ट लगी हुई है। 1-1.5 ख़राब हो गया मेरा यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। अभी सारे के सारे पैसेंजर निकल गए इस्तांबुल वाले ना, तो ये पता नहीं क्यों बेल्ट उतार दी इन्होंने, समझ नहीं आया। बाद में मैंने नाम पढ़ा बैग पर, तो बैग पर बाद में पता चला कि हाँ भाई ये मेरा बैग है। तो चलो यहाँ से एग्ज़िट होते हैं, और बाहर फैमिली वेट कर रही है, तो कोशिश करूँगा अगर रिएक्शन ले पाऊँ, अगर ना ले पाया तो फिर आपको मिलता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं बाहर, यहाँ से एग्ज़िट है। नन्नू फोन आया, बता दे, बता तो दे फोन आया, जल्दी बोल। पापा